उत्तर प्रदेश के सुंदरनगर में रोड शो किया, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कांग्रेस को अंग्रेजों की छोड़ी हुई बीमारी बताया। उन्होंने कहा कि हमारा देश इस बीमारी से कई दशकों तक ग्रसित रहा, लेकिन 2014 में एक परिवर्तन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एक नई दिशा दी। तो बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश के मंडी में चुनाव प्रचार के लिए पहुंची, रोड शो की तरफ से किया गया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कांग्रेस को अंग्रेजों की छोड़ी हुई बीमारी बता दिया। उन्होंने कहा कि हमारा देश इस बीमारी से कई दशकों तक ग्रसित रहा, लेकिन 2014 में एक परिवर्तन हुआ। 2014 में एक ऐतिहासिक काम जो हमारे देश में हुआ है, एक जो कांग्रेस की दीमक अंग्रेजों के जमाने का, मैं इनको अंश कहती हूं, क्योंकि ये उनकी ही छोड़ी हुई एक बीमारी है यहां पर, और ये बीमारी से हमारा देश कई दशकों तक ग्रस्त रहा। और एक तरफ ये है जिनका ना कोई चरित्र है ना ही कोई संस्कार, इनको खुद नहीं पता ये कहां आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं। इस तरह की एक बिगड़े हुए शहजादों की एक पार्टी है, चाहे वो राहुल गांधी हो जाए, चाहे जिनको चांद पे आलू उगाने हो, या तेजस्वी सूर्य हो जाए जो अपनी गुंडागर्दी करते हैं, मछली उछाल उछाल के खाते हैं, या अखिलेश यादव हो जाए जो अपनी तरह की उठपटांग बातें करते हैं, या फिर हमारे यहाँ भी एक शहजादे हैं जिनको अभी भारत में कोई जानता नहीं था, सिर्फ हिमाचल प्रदेश में जानते थे, लेकिन अब उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणियां की है कि ये महिला जो है अपवित्र है, जबकि मैं पद्मश्री अवार्ड से मुझे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला हुआ है, और तब भी उन्होंने मुझे कहा कि ये अपवित्र है, इसको यहां से चले जाना चाहिए। ये हमारे लिए चिंतनीय बात है, निंदनीय बात है। कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी को जान से मारने की धमकी मिलने के कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन आरोप